लाला जी, क्या हाल ग्लासेस है? कैसी बड़ी है? फिट है ये? कौन से मैं पठान से लिए? यार, अजान शुरू हो गई है अपने घर में, कोई इफ्तारी करते हैं, फिर सामने आ जाने इफ्तारी पे। उधर ही जा रहा हूँ इफ्तारी पे। यार उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके आता हूँ। लाला जी हैं, जलाल साहब हैं, मलक साहब बैठे हैं, सुंदर से इधर ही है। यार गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैं हाइड्रा फेशियल करवा के हूँ, और इस वजह से करवाने गया था क्योंकि आज यार गाइस हमारी इफ्तारी है। अभी यार गाइस टाइम चेक करो तो तकरीबन 5 बज चुके हैं, 1 आवर 20 मिनट रह गए हैं इफ्तारी होने में, तो बस हमने जाना है और आने वाला काम करना। ओए 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 गाइस, जलाल साहब पानी मारने लगे थे, गीजर ऑन है, मैंने कहा बंद कर दूं, ये ना बिल ज्यादा आ जाए, कोई नुकसान ही ना हो जाए। गाइस यार गीजर से यार मैं बड़ा तंग हूं, एक तो ये देखो ये भूल जाता है ना, ये अभी ऑन है, सुबह का चल रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा मुझे। गाइस इधर सारे बैठे हुए, इन सारों ने इफ्तारी के ऊपर जाना है, यहाँ तक कि जलाल साहब ने भी इफ्तारी के ऊपर जाना है, इसने भी जाना है, वो सामने वाला हमारा घर है ना, उधर आज हमारी इफ्तारी। उधर प्लॉट के ऊपर ना बंदा दरवाजे के शीशे लगा गए, वो मेरे पीछे पड़ा, यार मुझे पेमेंट कर दो, मुझे पेमेंट कर दो, इस वजह से अभी इतनी जल्दी मैं निकल रहा हूँ, अभी मैं तैयार भी नहीं हुआ इफ्तारी के लिए। वैसे तो मैं उसको पेमेंट कर दूं, अगर शीशे उसने सही ना लगाए हो ना, उसने बाद में आके ठीक नहीं करना, ये बड़ा मसला है। गाइस आज हमारे साथ जा रहे हैं बिलाला जी भी, साथ जाने। क्या बात है बिलाला जी, ग्लासेस कैसी है? बड़ी फिट है। कौन से पठान से लिए? जाट और जाती है। तेरा दिमाग हिल गया पुत्र, अरमानी की है साइड पे देख पुत्र, अरमानी की लेके आया हूँ यार, एवं जेलस हो रहा है मेरे से। मैंने पोलराइज ग्लासेस लेके आए, यही पोलराइज, ये ओरिजिनल अरमानी, तूने कितने की ली? 300 रुपए की। तो मुझे तो चूना लग गया है। हाँ जी, तूने क्यों ज्यादा खरीदी? 500 रुपए की उस दिन ही मैंने पहनी थी। हाँ। 200-250 रुपए की थी, चूना लगा गया गाइस। तुम लोगों ने मुझे बार्गेन करते हुए देखा तो होगा, मैं 400 रुपए पे उसको तोड़वा सकता था, लेकिन यार उस बेचारे ने मेहनत की, हमारे ब्लॉग में आया, तो मैंने उसको 500 रुपए कर दिए थे। बस जल्दी से प्लॉट के ऊपर जाते हैं, उधर जाके अपना काम शाम चेक करते हैं, और इस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। गाइस घर पहुंच गया, मैं जल्दी से जाके अंदर काम चेक करता हूं, सारे शीशे चेक कर रहा हूं कि शीशे सारे लग गए, फिर उस बंदे को मैंने पेमेंट करनी है, नहीं तो इफ्तारी के बाद आना पड़ना था। ये भी लग गया, ये भी देखो, ये जितने दरवाजे ये सामने इधर है ना, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये ऊपर वाली तरफ भी शीशा लग गया, इसके वो भी सामने शीशे लग गए। बेसमेंट में भी जा रहा हूँ चेक करने, बेसमेंट में भी जितने शीशे हैं ना यार सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी काम सारे घर का यार ठीक हो गया, खाली एक इश्यू हो गया यार, ये जो किचन का बेसमेंट का है ना, इसका डिजाइन जो ये देखो, ये साइड पे पैटर्न है ना, ये फ्रेम के अंदर रह गए, ये गलत बना है। जिस तरह ये डिजाइन बना हुआ है ना, ये सारा पैटर्न है, ये नीचे नहीं आ रहा, ये फ्रेम के अंदर चला गया, ये उसने गलत बनाया। कोई बात नहीं, 3 मिनट रह गए यार सिर्फ इफ्तारी होने में, अभी तक घर नहीं पहुंचे, घर जाके मैंने तैयार भी होना है अभी, बस आ रहा हूँ उधर ही, वो कपड़े बदल के आ रहा हूँ। यार अजान शुरू होगी अपने घर में, कोई इफ्तारी करते हैं, सामने आ जाने इफ्तारी पे, ठीक है? तैयार हो गया हूँ, बस बाल शाल बना ले फिर निकलते हैं जल्दी से, बस हम रोजा खोलते हैं किसी चीज से, क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये यार चॉकलेट मिली है, चॉकलेट से रोजा खोल लेते हैं। उधर ही जा रहा हूँ इफ्तारी पे, यार उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके आता हूँ। मैंने कल भी कहा था आधा घंटा पहले शुरू किया करो यार, आज जरूरी काम था, उसको पेमेंट करनी थी बंदे को। गाइस हो सकता है आज मैं अंदर ब्लॉग ना बनाऊ ना, क्योंकि ये जो यार सारा घर है ना, इधर हर बंदे को नहीं पता कि मैं इधर ब्लॉग बनाता हूँ, मैं खुद तो नहीं अब किसी को जाके बताऊंगा ना यार कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, जिसने खुद देख लिया तो देख लिया, मैं खुद नहीं किसी को बताता जाके। ये देख सकते हो यार, ये मेरे ताया का घर है। चलो यार तुमने लेट करा दी कसम से, बोलो ना, ताला लगा दिया ना, बैठो। तारी में मैंने बिरयानी ले ली और साथ एक पकोड़ा, इधर आप देख सकते हो बिलाला जी हैं, जलाल साहब हैं, मलक साहब बैठे हैं, सुंदर से इधर ही है, साथ में कनम एक पकोड़ा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, डिस्को की चाबी कोई नहीं मिल रही अभी, पापा भी किसी वक्त भाई गाड़ी हटाते हैं ना तो चाबी गाड़ी के बीच में ही छोड़ जाते हैं, भाई गाड़ी में से निकालता हूँ जाके, आज यार सीधा जाएंगे पर्दों वालों के पास, खिड़कियों के ऊपर रॉड लगवाने हैं ना। ओ भाई साहब, इधर तो डिस्को ही कोई नहीं खड़ी, मामा डिस्को किधर चली गई है? पापा लेके है ना, कह रहे थे पहले मेरी ठीक करवाओ गाड़ी। क्या जुलम है? दे यार फिर पापा वाले की चाबी दे दे मुझे यार, चेंज ऑफ प्लान्स हो गए हैं, जो पर्दों का काम है वो बाद में करवाएंगे, पहले पापा की गाड़ी ठीक करवाते हैं जाके। ओ इसको ठीक किधर से करवाना शुरू करूँ, इधर से करवाना शुरू करूँ, इधर से करवाना शुरू करूं, इधर से करवाना शुरू करूं, इधर से करवाना शुरू करूं, या भाई साहब इधर से करवाना शुरू करूं, इधर ही पेंग दे पेंग दे पेंग दे पेंग दे, मैं कर लूंगा क्या? इस चूल का पावर आउटलेट भी नहीं चलता है, देखो पावर बैंक भी नहीं चार्ज हो रहा। पापा से बात तो ये कह रहे हैं खाली गाड़ी की लाइट चेंज करवा दो ना, बाकी काम मैं खुद ही करवा लूंगा। यार पहुंच गया हूँ मार्केट में, इधर कोई लाइट्स वाला ढूंढते हैं, पता कोई नहीं मुझे कौन कहाँ पे। ये यार इधर लाइट्स के शोरूम में चेक करो, पहुंच गया हूँ, इधर कोई लाइट अपनी मिल जाए ना पीस, सस्ते में काम हो जाए। पापा ने पहले जिसे पता किया ना, तो वो ओरिजिनल लाइट ऑलमोस्ट 10,500 की मिल गई, कह रहे काम सस्ते में करवाओ कहीं से। ये कितने की है? ये 13,000 रुपए की है। इसकी जो है ना बस तारे ही तारे हैं और कुछ नहीं है इसका। कोई किसी से यार पता कर दो, किसी से सस्ती चीज मिल जाए, इतने पैसे लगाने ही नहीं। 10,500 की तो पापा को मिल रही थी, तो पहले उसने 13,000 रुपए का है, तो मैंने कहा यार मैंने लेनी नहीं है, फिर उसने आके फाइनल 10,000 रुपए का भी यार वापस आ रहे से पूछता हूँ। हाँ जी भाई, फाइनल आपको 9,000 उससे लेके दे दूंगा, ये काफी लेट, अगर आपको इतने पैसे मिलेगी आप लेना, 9,000 फाइनल करवा दूंगा, अगर वापसी आप बाद में आएंगे तो। चलो मैं पता कर सकते हैं, आप मार्केट घूम के, ये बात नहीं कहते हम,
हमारे पास मार्केट घूम गया है वो। चलो मैं चेक करके आता हूँ, 9000 दिए आपको दे देंगे। ये बस इधर से डैमेज है ना, दाग तो नहीं है, डैमेज है यार, ये हल्की सी डैमेज वाली पड़ी हुई है इधर। ये मिल रही है 6500 रुपए की, इस जगह से डैमेज हुई हुई है। ठीक, वही लाइट जो थी ये 9000 रुपए की, वही बता रहा था जो उसने पिछले वाले ने बताई है। वो जिस पहली वाली दुकान पे मैं गया था ना, जिस बंदे ने 9000 रुपए बताया था, वो लेके लेकिन कोई और आया था, वो दूसरा लड़का वापस भाग के आ गया। वो वापस गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है, उससे पूछता हूँ कितने की लगवा के देगा। जी भाई जान, लाइट लगानी है कितने की? बहुत महंगी है ना, इतने तो पैसे ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? मैं कह रहा था 4-5000 रुपए में लग जाए, कहीं से कहीं से हो जाए कोई। 7000 रुपए दे दो, मैं लगा देता हूँ। इतना का आप यार, इतने नहीं है ना, आपकी गुंजाइश दे के आ जाओ इधर, लगा देता हूँ। नहीं, इतने है नहीं ना, इतने पैसे नहीं है ना, इतनी गुंजाइश नहीं बनती। 6000 रुपए दे देना, लगा देता हूँ, ले आओ गाड़ी। 5 कर दे यार, 5 दिए ही, 5 है ना उन्होंने, 5 कर दे यार, 5 है ही इतना ना, इतने नहीं होता ना। और पड़ा ही इतना ना, वो दिया ही उन्होंने 5, उन्होंने कहा 4000 में करवा के लाओ। काबली लाइट है, इसीलिए मैं उस्ताद को नहीं बताया, 6000 रुपए में कर रहा हूँ। और यार 5 में करवा दे, मेरे पास इतने और मंगा लो ना। ये किधर से मंगवा लूँ? घर से यार, दे नहीं कोई नहीं, उन्होंने यही तो बता रहा हूँ, 4000 रुपए उसने कहा मुझे। 5.5 देना अभी आखिरी बात है। अच्छा चलो, किधर है दुकान? चलो आ जाओ सर, बंदा था आती आगे जी, 5.5 में काम हो गया। आ जाओ यार, किधर साथ ही दुकान? हाँ जी साथ। जाएगी बेसमेंट में गाड़ी? आज तो नहीं जाएगी। चलो जी गाइस, बेसमेंट में कहीं पहुंच गए, ये दुकान हमें मिली है, ये अब हमें लगवा के देगा 5.5000 रुपए की। 13000 से शुरू हुई थी। सिलिकॉन तो नहीं लगा हुआ? चलो लगवा दें। चेहरी गाड़ी का काम शाम शुरू हो गया, लाइट बस फिट हो रही है इधर। ये तो पहले वाली लगी हुई थी और ये अभी वाली लग गई, लाइट शाइट का काम करवा लिया, बिल्कुल A1 ब्रांड न्यू हो गई है। बस पेमेंट ये चेक कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी भाई जी, शुक्रिया। देख लो यार, फिर मार्केट में कितना फर्क होता है प्राइसेस का। वो जिस पहले वाली दुकान के पास गया था, जिसने 13000 बताया था, वो भी इसी लड़के की दुकान से उठा के लाया था। 13000 वाले ने अपना बीच में कट रखा होगा, बार बार मुझे कहा था आप रेट लगाएं। मैंने उसको 9000 भी कहना था ना, उसने खुशी से पकड़ा देना था। घूम फिर के यार वापस में उसी बंदे के पास पहुंच गया और एग्जैक्ट वही लाइट मैंने उसे लिए 5.5000 रुपए में। देख लो फिर यार, क्या बात है सर। अब इन भाई साहब को ना पापा के हवाले करते हैं, हमारा काम इधर पूरा हो गया, पापा जाने पापा की गाड़ी जाने। कैसी है रे डिस्को? अपनी चीजें इधर अपनी डिस्को में रखते हैं। पापा भी बस इधर दुकान में अंदर बैठे हुए ही काम कर रहे हैं। गाड़ी ठीक हो गई है? जी हो गई है। इधर यार गाइस, जिस वक्त मैं आ जाऊँ ना, इधर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर अब मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ ना, तो पर्दों के सीन को आज ड्रॉप करते हैं, वो किसी और दिन करते हैं, तो बस मैं इधर से फारिग हो जाऊँ फिर निकलते हैं। A few minutes later. गाइस यार टाइम चेक करो, शाम के 4 बज चुके हैं। अभी इस वक्त जाके मैं दुकान से फारिग होकर घर आया हूँ। अभी बस अंदर जाके देखते हैं, कोई रोजा गुजारते हैं यार कुछ करते हैं। इफ्तारी में 2-1 घंटे हैं, तो अभी से ही मम्मा ने टेबल शेबल वाजी और नूडल्स भी और ये चने की चाट भी अभी से ही। क्यों आपने टेबल सेट करके रख दिए? कुछ बोलना पड़ता है आगे से? इसलिए लगाया है कि आधा काम खत्म हो जाए शाम का। आधा कौन सा काम है? ये टेबल लग गया ना आधा, तो बाकी आधे में क्या लगेगा? क्या खाना है? खाना आज पालक। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। भाई साहब नहाने जा रहे हैं? मैं नहीं नहाने जा रहा गाइस, यार गाड़ी को नहलाने जा रहा हूँ यार। बहुत ही आपके सामने ही है डिस्को का जो हाल हुआ है, तो मुझे खुद ही शर्म आ गई है तुम लोगों के सामने। मैंने कहा यार दो ही दे इसको। इधर गाइस जलाल साहब अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, उनसे पानी मांग लेते हैं। पानी डाल दें इसमें भी थोड़ा, मैं कहा थोड़ी सफाई हो जाए, बड़ी गंदी होगी। चेक करो गाइस, जलाल साहब के अंगूर लगने शुरू हो गए। 150 रुपए मैंने जलाल साहब को ही दिया, मैंने उन्हें कहा खुद ही गाड़ी धो दे। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। चलो जी भाई साहब। ओ यार गाड़ी धो दी है लेकिन थक पड़ा गया। अब सही रोजा लगने शुरू हो गया। घर पे चलो, टाइम हो गया गाइस इफ्तारी का, लेकिन अजान अभी तक नहीं हुई। ओ हो गए, चलो जी रोजा खोले। रोजा खुल गए लेकिन अभी तक टेबल के ऊपर आके बैठा कोई नहीं है, मैं खुद ही आके बैठ जाता हूँ। तारी में गाइस आज फ्रूट चाट है, आलू चने की चाट है, नूडल्स हैं, दाल है, चिकन कढ़ाई है, आलू है और पालक है, और थोड़े से सीख कबाब भी हैं, जो मतलब 1-2 दिन का सारा बचा कुछ है ना, आज सारी चीजें हैं। ये पालक न्यू है। मुझे एक सीख कबाब दे दो बस यार। गाइस इफ्तारी मैंने कर लिया, थोड़ी देर में इधर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाने लगा हूँ जिम। उसके बाद ना यार आज सोच रहा हूँ कुछ खाने को बाहर से कोई खाया जाए कोई चीज, क्या ख्याल है गाइस इस बारे में? और इस नोट पे मैं एंड करना चाहता हूँ आज का व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके।